हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और सोशियोलॉजी रिवाइव करते हैं यहाँ पे दोबारा से। हमारा पेपर वन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन दो छोटे छोटे से चैप्टर थे हमारे, चैप्टर 6 और एक चैप्टर 10। तो इन्हीं को कवर करने की ट्राई करेंगे बहुत जल्दी से। रेगुलर सोशो की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं हमारी, कहाँ पर? एक तो यूट्यूब पर एंड सेकेंडली क्रैश कोर्स में भी। अगर आपका इस बार मेन्स है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो क्रैश कोर्स लगा लीजिएगा। उसको हमने लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए एंड वो उन लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू ही हम कर रहे हैं। लेकिन जो ये लेक्चर्स YouTube पे रहेंगे, इनमें थोड़ा एक्सप्लेनेटरी एक्स्ट्रा रहेगा अगर आपका अटेम्प्ट थोड़ा दूर है भी। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं चैप्टर 6। और ये चैप्टर 6 जो है ये वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ कहलाता है। इसमें देखो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन टॉपिक हैं इसमें। पहले टॉपिक में पूछते हैं हमसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी में। कौन सी लिखी है यहाँ पे? स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, इसमें पूछा गया कि आप हमें इसमें कैसे कैसे हमारा काम कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बतानी है। देन सेकेंड टॉपिक है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, ये क्या होता है। देन लेबर सोसाइटी, बिल्कुल सीधा साधा सवाल पेपर है अपना, यहाँ पे टॉपिक है। एंड मल्टीपल जगहों से जितना आप को रिलेट करते जाओगे उतना आपको फायदा होता रहेगा। ठीक है, शुरू करें सबसे पहला टॉपिक हमारा। ठीक है जी, तो ये पहला है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, स्लेव फ्यूडल इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट। सबसे पहला, किसी भी चीज़ को शुरू करना है, हम आपको इंक्रीजिंगली सभी को अपने जो इवन क्रैश कोर्स में यही सिखा रहे हैं, मैं आपको यहीं भी यहाँ भी चाहता हूँ सीखना सिखाना कि क्या करो, सिर्फ कोई भी आंसर बनाना है। किस तरह से बनाना है? स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। हम जीएस के कोर्स में भी यही बताते हैं, सब जगह यही बताते हैं कि स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर में और एग्जाम्पलीफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स डालो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्कीम्स, जो भी आपको लग रहा है कि आंसर को सॉलिड बना देगा। ओके, जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले वर्क को ही डिफाइन करो, व्हाट इज वर्क। ठीक है, वर्क डिफाइन करें तो देखो वर्क सिंपल सी वही चीज है जिसमें ह्यूमन एफर्ट लगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी वो वर्क कहलाती है। ठीक है, इसमें फिजिक्स वाले डिफिनेशन मत लिख देना कहीं पर। ठीक है, और अदरवाइज आप सोशो का पेपर लिखने आए हो, सोशोलॉजिकल बात ही करेंगे। ऑलराइट, तो अब आगे यहाँ पे देखो सोशियोलॉजी में अगर हम बात करें तो देखो वर्क का मतलब और क्या होता है, जिसमें पेड एम्प्लॉयमेंट हो रही हो, जिसमें डायरेक्ट पेमेंट हो रही हो, जैसे ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर, या इनडायरेक्ट पेमेंट हो रही हो, कोई बार्टर सिस्टम चल रहा हो, सभी वर्क हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, देखो जितनी डेफिनेशन पढ़ लोगे उतने आपका अच्छा वहां पर स्टार्टिंग अच्छी होने के चांस हो जाता है किसी आंसर में। वर्क का मतलब क्या होता है? कैरिंग आउट ऑफ टास्क, कि आप अगर किसी भी तरह का कोई ह्यूमन एफर्ट लगा के कुछ टास्क पूरा करते हो, एंड देन उसके बाद मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगे जहां पर, और उसके बाद यहां पर अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल भी डाल के देखें तो वहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ऐसा कुछ भी काम हो जिसमें पैसे मिले या ना मिले, वो वर्क तो है ही। ठीक है, क्योंकि देखो इमेजिन करके देखो कि पेड वर्क, अगर आप जॉब करने जा रहे हो पेड वर्क, घर में अगर लेट्स से कोई हाउसवाइफ काम कर रहे हैं तो वो क्या है? अनपेड वर्क है ना। घर में भी आप काम करते हो, ह्यूमन एफर्ट तो लगता ही है, तो सोशियोलॉजी के दायरे में आएगा वो भी। अब तो क्या हो रहा है, अब तो इंक्रीजिंगली आप जैसे देखते हो ना सोशियोलॉजी का इंपैक्ट हो रहा है बाकी जगहों पर, अब तो इकोनॉमी में भी चाहते हैं वो कि इसमें बात होनी शुरू हो जाए। किसकी? जो अनपेड लेबर, घर में जो विमेन काम कर रही है अनपेड लेबर, उसकी बात होनी शुरू हो जाए। तो इसीलिए अनपेड वाला एंगल बिल्कुल नहीं भूलना आपने, पक्का लिखना है। ठीक है, एंड देन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होता था, ज्यादातर इनडायरेक्टली पेड वर्क था ना, जैसे बार्टर सिस्टम में आप मेरे लिए ये काम करो, आपको उसके बदले कुछ और काम मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और आपको जो चीजें मिल जाएंगी। फ्यूडल रिलेशनशिप थे, है ना, एंड मतलब जो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, या फिर जो आपके जो फ्यूडल लॉर्ड है एंड उनके नीचे जो लेट्स से जो उनके अंदर जो लोग काम करते हैं, एंड रिचुअल ऑब्लिगेशन, कि एक कास्ट को दूसरी कास्ट के तहत काम करना है, जिसको जज इंडिया में, मान लो अगर यहाँ पे कोर्ट करना चाहते हो तो इंडिया में जजमानी सिस्टम कहलाता था। तो ये सब चीज़ें ऑब्लिगेटरी थी, कि ऑब्लिगेशन थी एक कास्ट दूसरी कास्ट को, जो ऑब्लिगेटेड थी कुछ काम करने के लिए। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में वर्क इस तरह से कुछ था। मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इन जो आपका डायरेक्ट पेमेंट वाला काम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पेमेंट मिलती है, आप काम करो, इतने घंटे काम किया, इतने दिन काम किया, आपकी इतनी पेमेंट बनती है, तो डायरेक्ट पेमेंट वाला सिस्टम बढ़ता जा रहा है। एंड यहां पे वही बात लिखी है, सोशियोलॉजी में देखें तो वर्क सिर्फ मनी की टर्म में नहीं, ऑब्लिगेशन की टर्म में भी देखते हैं, एंड सोशल डोमेन को पक्का देखना है। जैसे डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि फादर क्या काम करेंगे, मदर क्या काम करेंगी घर में, है ना, ये है ना, ये विमेन और मेन में जो डिस्टिंक्शन की हुई है, और इसीलिए ऑब्लिगेटरी काम को जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है जिसमें पैसे मिले उसी को जाने, गेटिंग इट। तो ये सिंपल सी सिंपल बातें दिमाग में रखनी है, कुछ कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं दिमाग में बिठाए रखो। ओके,
अब यहां पर आपको जो पहला ही टॉपिक है कि आपने वर्क डिफाइन कर दिया, वर्क में क्या क्या आपके एस्पेक्ट आ रहे हैं, देन डिफरेंट सोसाइटीज की तरफ बढ़ते हैं और आए दिन आपको ये एक ही क्वेश्चन दिखता है, डिफरेंट सोसाइटीज वाला क्वेश्चन कहां दिखता है आपको, ये जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं जो आपके आपके सोशल के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दे आर कंपलसरी क्वेश्चन, आपको करने करने हैं, इसके 5 पार्ट हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5th का एक पार्ट तो जनरली सिर्फ और सिर्फ इसी में से आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट सोसाइटी, एक बार वो स्लेव पूछ लेते हैं, एक बार फ्यूडल, एक बार कभी इंडस्ट्रियल, कभी पोस्ट इंडस्ट्रियल, ऐसे ही घुमाते रहते हैं, तो अगर आप ये 3-4 चीजों को एकदम सॉलिड करके जाओगे तो 10 नंबर तो आपके काफी अच्छे इसमें से आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां पे वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वेरियस सोसाइटीज में उसकी बात हो रही है, कौन सी सोसाइटी फोकस करनी है जरूरी है जो सिलेबस में लिखी है, स्लेव, फ्यूडल, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, या फिर इसके बाद हम अपने आप से भी वैसे कर सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल भी देख सकते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल में वर्क कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। ऑलराइट, चलो अब इसको समझने के दो तरीके हैं, मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पर, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो, मैं आपको दोनों से समझाना यहां पे सिखाऊंगा, एक कीवर्ड भी यूज करेंगे जिसमें से हमें रिटेन करना आसान हो, कि हम अगर रट्टा लगा लें हमें तो हमें रट्टा लगाना आसान हो, क्योंकि पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां पे आपको जाके कोई पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए ना, आपको आपको मार्क्स चाहिए। ओके, तो मैक्रो लेवल पे देखें, अगर ब्रॉडर लेवल पे देखें तो आप देखते हो कि किस तरह से वेरियस जो सेक्शन है सोसाइटी के, जो पॉपुलेशन के, वो किस तरह से अंडर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, उनके तहत किस तरह से उनका काम ऑर्गेनाइज्ड है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी में अगर देखिए आबादी किस तरह से बटी हुई है, किस तरह, कुछ आबादी कुछ और काम करती है, कोई आबादी कुछ और काम करती है ना, जैसे अगर आप ट्रेडिशनल सोसाइटी इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर कास्ट सिस्टम के हिसाब से बटी हुई सोसाइटी, कि थोड़ी सी सोसाइटी का हिस्से में अगर लेट से एक तरह की कास्ट है, मान लो कि अगर ब्राह्मण है कुछ और काम कर रहे हैं, शूद्र कुछ और काम कर रहे हैं, जो वैश्य कुछ और काम, है ना, गेटिंग इट, तो सोसाइटी ट्रेडिशनल में बटी हुई है सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मॉडर्न में सेक्शन ऑफ सोसाइटी कुछ किसी और तरह से बटा हुआ है। आपने देखना क्या है कि किस तरह से आपकी वेरियस जो पॉपुलेशन है उसमें किस तरह से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो इसको मैक्रो लेवल पे बोलते हैं, मैक्रो। तो मैक्रो लेवल पे हमने जो कीवर्ड क्या बनाया था, आपने पार्सन्स में पढ़ा था अडाप्को, अडाप्को वाला कीवर्ड याद है, तो अडाप्को वाला कीवर्ड यहां भी इसको अगर आप लगाने की ट्राई करो आपके आंसर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे बनेंगे। अडाप्को में क्या क्या कीवर्ड था, पहला ताकि एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि पैदाइशी, है ना, जो आपके बाय बर्थ आपको मिलते हैं, कि या ट्रेडिशनल सोसाइटी में एस्क्रिप्टिव होती है जो आपका वर्क है, कि आपको जन्म से मिलता है कि आप अच्छा इस घर में पैदा हुए तो आपको ये वाला काम करना है। एंड मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता जा रहा है, अचीवमेंट, ये याद है ना की वर्ड, ये वाला अडाप्को वाला नहीं याद तो गो बैक टू पार्सन्स एंड री रीड इट, तो अगर पार्सन्स अगर नहीं याद और पार्सन्स भूल गया तो ऑटोमेटिकली इमेजिन की कितना नुकसान हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट थिंकर भूल गया, ठीक है। देन डिफ्यूजनिस्ट की किस तरह से काम फैला हुआ था, यहां पर किस तरह से आपका काम थोड़ा सा अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक हो जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो अडाप्को हमारा की वर्ड वहां पर हमने डिस्कस किया है पार्सन्स में, यू कैन अगेन गो बैक टू पार्सन्स, जो वहां पर हमने पैटर्न वेरिएबल डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से आपका ये 5 पॉइंट मिल जाएंगे एंड क्लियरली यू कैन डिफरेंशिएट कि ट्रेडिशनल में ये वाले आ रहे, मॉडर्न में ये वाले, मैंने आपको वहां भी बताया था, ठीक है। ओके, अडाप्को एक बार ही देख लीजिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, एक बार नोट्स दोबारा निकालो एंड देखो, या फिर जाके यूट्यूब पे हमारे लेक्चर पड़ा हुआ पार्सन का, उसमें पैटर्न वेरिएबल सर्च करो एंड यू विल फाइंड इट। ओके, तो अगेन मैं यहीं पे सिर्फ फटाफट से बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जैसे जो कि स्लेव या फ्यूडल सोसाइटी दोनों बन जाती हैं, जो वर्क सिंपली ऑर्गेनाइज्ड है, एस्क्रिप्शन मतलब पैदाइशी आपको मिलता है, कलेक्टिव ओरिएंटेशन है कि ऐसा नहीं है कि आप मैं खुद से मेरा मन कर रहा है मैं ये काम करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, समाज जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। अफेक्टिविटी मतलब कि इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ये था ना एक ए हमारा अफेक्टिविटी, एंड जो रिलेशंस कौन से हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस हैं, तो ये अडाप्को लगाने के बाद आप क्या बोल दोगे, रिलेशंस वर इनफॉर्मल इन नेचर, फॉर्मल रिलेशन क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर रूल ड्रिवन चल रहे हो तो आप फॉर्मल हो, अगर आप रूल ड्रिवन नहीं हो तो इनफॉर्मल हो, है ना, जैसे लेट्स से आपकी जॉब प्रोफाइल जो होती है, लेट्स से अगर आपको अकाउंट्स का काम दिया गया है तो अकाउंट्स का काम कर रहे हो तो थोड़ा फॉर्मली ड्रिवन हो, अगर लेट्स से कि आप किसी दुकान पे छोटू टाइप लगे हुए हो, है ना, और वहां पे कभी बोलते हैं कि सामान उठा के रख दो, कभी बोलते हैं कि कभी आगे गल्ले में बैठ जाओ, कुछ भी हो सकता है ना, तो इनफॉर्मल रिलेशन है। तो एज सच कोई क्लियर लाइन, कोई ऐसे कोई क्लियर रिलेशनशिप का कोई ऐसे वहां पे कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी करवा सकते हैं आपसे,
किसी भी तरह का आपसे काम वहां से लिया जा सकता है, इनफॉर्मल। ऐसी था पहले कि कभी जो एग्रीकल्चर में, आप इमेजिन करो एग्रीकल्चर इज वेरी इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, है ना, कि इनफॉर्मल है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, कि कोई भी कभी कभी फसल काट लेता है, कभी वो फसल को अगेन उगाने चले जाते हैं, बेचने चले जाते हैं। ऐसा नहीं ना मार्केटिंग एजेंसी बनाई है कि परिवार में डिसाइड किया हो कि आप मार्केट करोगे, परिवार में किसी को बोला हुआ है कि नहीं आप सिर्फ जो सीड्स वो करोगे, ऐसा नहीं है, इनफॉर्मली जो किया। इसलिए बोलते हैं कि एग्रीकल्चर जितना फॉर्मली ऑर्गेनाइज हो जाएगा उतना देश का फायदा भी है, ओके, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, मॉडर्न सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज किस तरह से, कॉम्प्लेक्स तरह से, फॉर्मल तरह से, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, कि मार्केटिंग की डिग्री की है तो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में जाओगे, फाइनेंस की डिग्री की है तो जाओगे, अदरवाइज मुश्किल है ना, ओके। एंड देन सेल्फ ओरिएंटेड है, एफेक्टिव न्यूट्रल, सेल्फ ओरिएंटेड मतलब जो इंडिविजुअल का मन करता है वो तो उसी को अकॉर्डिंगली परसू करता है, परिवार की कंसिडरेशन रिलेटिवली, जिस ऐसा नहीं होता ना कि आप बोलते हैं कि आप इस परिवार से हो तो आप सिर्फ मार्केटिंग ही करोगे, इस परिवार से हो तो आप सिर्फ अकॉर्डिंगली सिर्फ फाइनेंस ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता। तो सेल्फ ओरिएंटेशन बहुत मैटर कर रही है अब। एंड देन अफेक्टिव न्यूट्रल का मतलब कि इमोशंस का इतना रोल नहीं रहा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन कह रही है वही हमें करना पड़ता है, ओके। एंड देन मार्क्स क्या बोलते हैं, आखिर मार्क्स आगे बोलते हैं कि ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न सोसाइटी हो, इसमें डाइकॉटमी मतलब कि हैव और हैव नॉट तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, दोनों ही एक्सप्लॉयटेटिव तो दोनों ही हैं, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। तो अगेन हमने क्या देखा है, अभी मैक्रो लेवल पे दोनों सोसाइटीज देखी, अडाप्ट को लगाओगे एंड आपका आंसर बनना शुरू हो गया। देन माइक्रो लेवल पे आते हैं, छोटे लेवल पे उतर के देखते हैं, स्पेसिफिक एस्पेक्ट देखते हैं कि एक्टिविटी है किस तरह की, ठीक है, एक्टिविटी को देखते हैं। तो इस पे हमने कीवर्ड क्या बनाया हुआ है, मद्रास पी, ठीक है, आपको आगे आगे वर्ड दिखेंगे, हमने सब ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है, मद्रास पी। यहां पर अडाप्ट को जिस तरह से आपको पॉइंट्स याद होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, अडाप्ट को लगा लो, ऐसे ही मद्रास पी। एथिक्स वाले सर भी आपको ऐसे पढ़ाते हैं जब क्रैश में अपने, तो एथिक्स वाले सर भी ऐसे कर रहे हैं ना, वेरियस की वर्ड बताते रहते हैं आपको, तो पढ़ते रहो की वर्ड्स। और एग्जाम में क्या करना है, हमें रिकॉल करना है, क्योंकि अनलाइक प्रीलिम्स में सामने आपके एक लगा होगा कि ऑप्शन ए बी सी डी बताइए, आपको फिर भी कुछ ना कुछ रिकॉल हो जाता है, लेकिन मेंस में रिकॉल सब कुछ खुद करना है, जितना रिकॉल होता रहेगा उतना ही आपका अच्छा वहां पे व्यंजन बनता रहेगा, अच्छा पकवान बनेगा, एग्जामिनर खुश, मार्क्स मिलेंगे, ओके। चलो तो इसीलिए ना ये कीवर्ड्स अपने आप से बनाते रहना, ये कीवर्ड पसंद नहीं आए तो कुछ और बना लेना, ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी ओरिएंटेशन उस तरह से करना, ओके। जैसे अब ऐसा नहीं है कि एम जैसे हमारा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आगे बताऊं तो एम स्टैंड फॉर मोबिलिटी, कि अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी में मोबिलिटी की ऑप्शन कम थी, मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारी और जो एबिलिटी है। और इसीलिए जैसे अगर जो पीटर सोरोकिन की बात करें, वो भी क्या बोलते हैं कि इंटर जनरेशनल और या फिर इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी की बात हो गई है। प्रीवियसली ये देखते थे कि मोबिलिटी पहले इनिशियल सोसाइटी में जिस कास्ट में पैदा हुए वहीं रह जाते थे, मोबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी, कभी कभी कुछ कुछ बदलाव किसी परिवार के साथ हो गया, दैट्स इट, अदरवाइज मोबिलिटी के चांसेस नहीं है। कौन सी मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। एंड देन मॉडर्न में चांसेस बढ़ गए हैं। एंड सोरोकिन क्या बोलते हैं, जैसे जैसे कैपिटलिज्म आगे एडवांस हो रहा है और ये ऑप्शंस बढ़ रही है, कि पहले था कि अच्छा कि लेट्स से पिताजी ने अच्छा काम किया और ग्रेजुअली बच्चे थोड़ा सा और अच्छे हो जाएंगे, एक एक जनरेशन में धीरे 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 आगे बढ़ते थे। अब तो क्या हो रहा है कि इंटर जनरेशनल ना होके वो इंट्रा जनरेशनल हो गया है, इंट्रा जनरेशनल की एक ही जनरेशन में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल लिखोगे ना आप, जैसे मार्क जकरबर्ग, या फिर आप जो लिखोगे अगर कोई इंडिया का एग्जाम्पल उठा लो, अगर आप जो धीरूभाई अंबानी, एक एक जनरेशन में दे अचीव अ लॉट ऑफ मोबिलिटी, है ना, बिकॉज की जो एवेन्यूज इंक्रीज हो गए हैं। एम स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी, ओके, ऐसे ही आप कीवर्ड ढूंढते रहना, एम ए डी आर ए एस, और फिर देन पी फॉर पावर, ओके। देन एक्टिविटी, स्लेव में एक्टिविटी क्या थी, हंटिंग फूड गैदरिंग, फ्यूडल में एग्रीकल्चर हो गई, इंडस्ट्रियल में फैक्ट्री आ गया, पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या, सर्विस बेस्ड इकॉनमी हमारी सोसाइटी होती जाएगी। तो एक्टिविटी जो आप थोड़े से टाइप बता रहे हो किस तरह से हो रही है। देन आगे मैं एग्जैक्ट एम ए डी आर ए एस पे नहीं जा रहा, वैसे अगर चाहते हो देखना देख लेते हैं। देन जो हमारा डी स्टैंड फॉर, ये यहां पे देखिए, डी स्टैंड्स फॉर DOL, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर ट्रेडिशनल में बहुत सिंपली ऑर्गेनाइज है। आप एक आधा थिंकर भी कोट कर रहे हो ना साथ साथ में, हमने जैसे अभी सोरोकिन कोट किया, देन डकहाइम कोट करो, डकहाइम का एग्जांपल लेके बोलो कि डकहाइम कहते थे ट्रेडिशनल सोसाइटी में सिंपल DOL है, एंड जो हमारी आज की सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स DOL है, ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी आ रही है, तो डी फॉर DOL, गेटिंग इट, ओके। देन आर रोल्स की बात करें,
ट्रेडिशनल सोसाइटी में सोशल एक्सपेक्टेशंस जो हैं अकॉर्डिंगली फ्यू फ्यू क्यों हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, डर्कहाइम का जो कॉन्सेप्ट याद करो लो मॉरल डेंसिटी वाला, कि क्योंकि लोगों की इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से बहुत ही कम है, उनको पता ही नहीं है कि ना जैसे लेट्स से कि जो सोसाइटीज हैं डर्कहाइम क्या बोलते हैं, सोसाइटीज ऐसे आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती हैं, है ना, तो एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से इतना इंटरमिंगल होती ही नहीं है, तो इसीलिए उनको पता नहीं है कि कैसे अगर हमें कोई और तरह के लोग मिलेंगे हमारे मॉरल्स क्या होने चाहिए, तो उस तरह से इस तरह से इमेजिन नहीं करना आपने किस तरह से जैसे कि आपस में लेट्स से कि आपके सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, सोसाइटी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, बट एट द सेम टाइम सिंस क्योंकि सोसाइटी आपस में एक दूसरे से, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से बहुत ही कम इंटरेक्ट करती है, डर्कहाइम ऐसा मानते हैं, तो इसलिए लोगों के मॉरल्स जो है बहुत ही स्टेग्नेंट है, उनके मॉरल्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो इसी तरह से जो सोशल एक्सपेक्टेशंस भी एक दूसरे से कम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि अगर सामने वाला अगर किसी और तरह से बिहेव कर रहा है तो इट बिकम्स रियली टफ फॉर अ ट्रेडिशनल पर्सन टू एक्सेप्ट इट, उसको पता नहीं है कि कैसे बिहेव करूं। अभी आप ना मॉडर्न एरा में रहते हो, आप 10 तरह के लोगों से मिलते हो और आपकी आप अकॉर्डिंगली आपने खुद को मोल्ड कर लिया, आपकी एक्सपेक्टेशन को मोल्ड कर लिया कि अच्छा आपके सामने डिफरेंट रिलीजन का कोई आ जाए, कास्ट का, क्लास का आ जाए, तो आप अपने आप को जो सोशल एक्सपेक्टेशन जो है आपकी डिफरेंट हो जाती है। एंड इमेजिन, एक बार सुनो उसको यहां से ध्यान से, कि आपके सामने कोई आपकी कोई कास्ट के नहीं, कोई और किसी कास्ट का, किसी और रिलीजन का कोई और सामने इंसान आ गया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, या फिर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, कि आप उसको एकदम ऐसे एकदम नकार दोगे कि नहीं आपकी कास्ट सेम नहीं है, आपका रिलीजन सेम नहीं है, नहीं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, अब एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि नहीं, यू विल ग्रीट हिम और हर, आप उसको ग्रीट करोगे, है ना, आप उसको जो अच्छे तरह से मिलोगे, सोशल एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई हैं अब, है ना, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, जैसे कॉलेज में सीनियर मिला तो अलग तरह बिहेव किया, एंड अगर जो ऑफिस में अगर सीनियर मिला अलग तरह बिहेव किया, ऑफिस में जूनियर मिला अलग तरह बिहेव किया, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लेक्स भी हो गई हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई हैं एंड कॉम्प्लेक्स, इस तरह से इमेजिन करो एंड थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दोगे अगर तो आपके वहां पे बात बन गई। ओके, एम ए डी आर ए, ए के बाद यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो एलियनेशन, ये सिंपल सी बात है, एलियनेशन आप बोलोगे कि कार्ल मार्क्स को कोट कर सकते हो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में एलियनेशन रिलेटिवली कम थी, मॉडर्न में बहुत बढ़ गई है, है ना, इंक्रीजिंग एलियनेशन होती जा रही है, कार्ल मार्क्स गेटिंग एन आंसर बनना शुरू हो गया, एस फॉर स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रेडिशनल सोसाइटी में स्लेव और फ्यूडल में देखें एस्क्रिप्टिव सिस्टम चल रहा है, हेरिडिटी कास्ट बेस्ड है, तो अकॉर्डिंगली जो जो आपका जो स्ट्रेटा बना हुआ है इन्हीं इन्हीं बेसिस पे बनता है, बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एस्क्रिप्टिव है, मॉडर्न में क्या है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, इनोवेशन को रिवॉर्ड किया जाएगा, है ना, एंड क्लास स्टेटस के पावर इसके हिसाब से आपकी डायमेंशन बनती जाएंगी, वेबर को कोट कर सकते हैं यहां पर, तो गेटिंग इट, एंड देन आपका कम्स पावर, पावर में क्या होता है कि पावर आ कहां से रही है, स्लेव वाले जो सोसाइटी में पावर कहां से आती है, टूल से आती है, फ्यूडल में लैंड से, इंडस्ट्रियल में कैपिटल से, धन दौलत है तो इंडस्ट्रियल में, एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल में कहां से आएगी पावर, कहां से, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से, ठीक है जी, तो ये अब आपका देखो कितना ब्रॉड आंसर कवर हो रहा है, आपको सवाल आया कि बताइए जी हमें कि लेट्स से स्लेव सोसाइटी के हमें फीचर बता दीजिए, आपने क्या करना है, स्लेव सोसाइटी के फीचर आपने मद्रास पी लिखना है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है, सर ये रहे फीचर्स, ठीक है जी, इसके बता दीजिए, इसके जिस मर्जी के पूछता रहे आप एम ए डी आर ए एस कीजिए, मोबिलिटी की ऑप्शन बताइए, आप वहां पर बात कीजिए एक्टिविटी क्या है, डिविजन ऑफ लेबर कैसे होती है, और उसके सिवा आपके वहां पर जो रोल्स या फिर एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है आपसे, एंड देन एलियनेशन की बात करी आपने, बात करी उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन की, एंड देन अंत में पावर का सोर्स क्या है, पावर आ कहां से रही है, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर कितना होलिस्टिक बन गया, कितना वाइड बन गया, थिंकर्स कोट किए बीच में आपने, आपका 10 मार्कर आंसर तैयार है, उसका छोटा सा एक क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली नहीं बता सकते इस तरह से कि हमारा हर एक सोसाइटी एग्जैक्ट इस तरह से बिहेव नहीं करती, पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू डाल दिया एक आधा कि हम जनरलाइज थ्योरी नहीं बना सकते, लेकिन हाँ ब्रॉडली ऐसे ही है, तो एंड एक कंक्लूडिंग लाइन लिख दी, 10 मार्कर आपका कंप्लीट, 10 में से आपके यू कैन एक्सपेक्ट 8 और मोर, ठीक है, तो इस तरह से आंसर बनाते चलो, दैट्स इट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, ये अभी छोटा सा टॉपिक है, अगेन चैप्टर ही बहुत छोटा सा है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, 3 लेक्चर्स में आई विल और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको आई विल ट्राई टू फिनिश इट, ठीक है दोस्तों, इस पे और रिसर्च करो, मैं तो चाह रहा हूं आपको और रिसर्च करो इन पर्टिकुलर चीजों पर कि किस तरह से हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी स्लेव फ्यूडल इंडस्ट्रियल में, एंड किस तरह से हाउ
हाउ यू कैन आंसर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो एंड उसको ट्राई करो आंसर करने की, ठीक है दोस्तों। एंड मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द, एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस और पढ़ते रहो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना भी वॉच नहीं करना, जाके उठाओ किताबें एंड स्टार्ट रीडिंग, इग्नू पढ़ोगे बहुत फायदा होगा, ठीक है, ओके मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक्स अ लॉट।